शांति का नहीं बजाय इससे बढ़ेंगे। ये दिल्ली में इतना धूप और इतना गर्मी में भी कई हजार लोग वो मंडी हाउस से यहां तक मोर्चा बनाया और आवाज उठाया, हल्ला बोल मोदी पे, हल्ला बोल मोदी का, खुल गई पोल। आपसे हम विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, सन 2014 में जब मोदी जी ने 4 साढ़े 4 साल मीटिंग किया और मीटिंग उस सभा में वादा किया, हम फलना करेंगे चिलना करेंगे, झूठा वादा किया, तभी हम लोगों ने इस बात को साफ तरीके से बताए थे कि मोदी देश को डुबाने वाला है। भाजपा का जो नीति है वो नीति, आरएसएस का जो नीति है वो नीति देश के हाल सुधारेगा नहीं, देश को और बर्बाद करेगा। और हमारे जो अनुभव है ये 4 साल में, जो मैंने उम्मीद किया था वो उम्मीद तो छोड़ दीजिए, उससे भी बदतर स्थिति मोदी ने बनाया। मोदी ने हमारे देश के हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने प्रचार कर रहा है जो उन्होंने फलना किया वो किया ये किया, लेकिन दरअसल क्या हुआ, दरअसल हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ चुका है, किसान खुद खुशी में मजबूर हो रहे हैं, मजदूर गोलियों गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, नौजवान भटक रहा है रास्ता में, उनके नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बेजोड़ है, छात्रों का हालत जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं भी देखिए वहां हालत बहुत खराब है, और वहां छात्रों के खिलाफ विद्यार्थियों के खिलाफ सारे इंजाम बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्थिति पैदा किया गया है, वो आरएसएस वाले जो हिंदू युवा वाहिनी है जो वहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं नया योगी आदित्यनाथ उनके कर्तव्य है, वो जो सन 1938 साल से जो जिन्ना का एक पिक्चर वाला लगा हुआ है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए मारा मारी दंगा बनाने का कोशिश कर रहा है, और यूपी का पुलिस वो चुपचाप देख रहा है। स्थिति क्या है हमारी यहाँ, महिलाओं को कितना बार बोले, जो कोई भी महिला को कुछ भी उम्र हो, वो बच्चे हो, वो नौजवान हो, वो बूढ़े हो, कोई भी महिला हमारे देश में अभी बलात्कार से बचने वाला नहीं है। कब किसको पर पड़ेगा ये नहीं बता सकते हैं, बोलने का वजह यही है, ज्यादा बात करने का कोई जरूरत नहीं है, बोलने का वजह यही है कि हमारे देश के जनता की हर पहलू अब एक गंभीर स्थिति के सामने है। और मोदी जी 70-80 देश में घूम रहे हैं, वो कभी काल भारत में रहते हैं, और जब ही रहते हैं झूठ बोलते हैं, वो कोई पत्रकार से भी नहीं मिलता है। हमारे कोई साथी बोल रहे थे जो मीडिया हाउस जो पत्रकारों को जो कंपनियां हैं वो कंपनी अधिकतर कंपनी है कि लोगों को कब्जा में है, लेकिन उसको होने का बावजूद भी मोदी जी किसी पत्रकार से नहीं मिलते हैं। कोई भी फांसीवादी तत्वों के लोग जो इस तरह का कार्रवाई करने के लिए सत्ता में आते हैं वो पत्रकारों से दूर मिलाते हैं, क्योंकि पत्रकार लोग जनवादी ढांचे को बरकरार रखने के लिए सहयोग करते हैं, पत्रकार लोग सहयोग करते हैं, वो कंपनी सहयोग नहीं करती है वो अलग बात है, लेकिन पत्रकार लोग सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहां भी इस तरह का स्थिति है, वहां भी इस तरह का हालत है। तो ये बोलना चाहते हैं, हम चंद शब्दों में बोलना चाहते हैं, जब स्थिति इस तरह का है या हमारे सामने फर्ज की है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी के मुकाबले में हम कभी सुनील चोपड़ा से बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी बने वो मोदी से अच्छा, क्योंकि मोदी का सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं है, उनका नियत खराब है, उनका नियत खराब है, जो नीति लेकर वो चलते हैं वो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों
और दुनिया के बड़े बड़े पूंजियों को हित में, पूंजीपतियों के हित में वो काम करने का कोशिश करता है। याद रखना है मुझे, ये दुनिया भर में पूंजीवाद का काफी काफी संकट पैदा हुआ है, वो हिल रहा है, और वो हिलने के बाद जब वो बचना चाहते हैं, पूंजीवाद बचना चाहते हैं, पूंजीवादी संकट से उबरना चाहते हैं, उबरने के लिए इस तरह का लोगों को चाहिए जो फासिस्ट होंगे, जो जनमत के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखेंगे, जो जनमत को कुचल डालेंगे, जो जनता का जिंदगी तबाह कर देंगे, उसी को वो मदद करने के लिए कोशिश करेगा। सन 2019 में भी यही होगा साथी, हमें चौकन्ने रहना है, हमें बहुत सावधानी से चलना है, और एकता बनाना बहुत जरूरी है। ये जो जन एकता जन अधिकार जो मंच बनाया गया है, जिसके बारे में जिक्र किया है हमारे दोस्त कमल हन्नान मोल्ला, जहां वो कहे 18 सितंबर को इस मंच का उद्घाटन हुआ था मौलंकर हॉल में, उस मंच में अभी करीब 170 ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे संगठन हमारे साथ है, हम जो बोलते हैं वही बोलता है, ऐसे नहीं, अलग अलग विचारधारा के संगठन, लेकिन सारे लोग मोदी के खिलाफ है, सारे लोग आरएसएस के खिलाफ है, सारे लोग जातिवाद के खिलाफ है, सारे लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, वो सारे संगठन एक साथ आया, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में और भी बहुत सारे छोटा मोटा संगठन भी होगा, वो मोदी के खिलाफ एक साथ होंगे। हम जनता का एकाज बनाएंगे। आज 23 मई, आज करीब 25 राज्यों में जनता हल्ला बोल रहा है, जनता बोल रहा है, जनता आवाज बुलंद कर रहा है, मोदी सरकार की खुल गई पोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, इसको बरकरार रखना है, हम उम्मीद करते हैं इसको बरकरार रखते हुए हम इकाई को और बढ़ाएंगे। सिर्फ 120 करोड़, सिर्फ 120 करोड़ नहीं, हम जो देश का जो आबादी है 125 करोड़ 30 करोड़, सारे लोगों को, जो चंद पूंजीपतियों को छोड़ के सारे लोगों को एक मंच पे लाना है, और उस दिशा में हम चलने के लिए कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। आप सबको दोबारा क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए हम अपना वक्त समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जन एकता जन अधिकार मंच जिंदाबाद।